ओके, पेपर नंबर टू का क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। थोड़ा बहुत लिमिट्स भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया था। इसमें हमें दिया हुआ है f एक डिफरेंशियबल फंक्शन है, f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो दी हुई है, जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 + 5y (5y - 2) को सेटिस्फाई करता है। तो इसको सॉल्व करके हमें बेसिकली फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस माइनस इनफिनिटी एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स की जगह dx अपॉन dy लिखूं तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1/5y + 2 (5y - 2). मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए, 1/5y - 2 - 1/5y + 2, ऊपर कांस्टेंट 4 एक्स्ट्रा आएगा तो 1/4। तो dy जो था मैं उसको दूसरी तरफ लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4 को इस तरफ लिया, तो 4 dx = dy / 5y - 2 - dy / 5y + 2। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दिस विल बिकम 4x + c = log mod (5y - 2) / 5y + 2। अब हमको इनिशियल कंडीशंस अगर आप चेक करें तो आपको दे रखा है x को 0 रखने पर y की वैल्यू 0 आएगी। तो x को 0 रखने पे ये ln 1 बनेगा जो 0 हो गया, तो इससे c की वैल्यू 0 आ जाती है। तो वी गेट एन एक्सप्रेशन एज e^4x = 5y - 2 / 5y + 2। नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी e^4x, अगर आप चेक करो तो ये 0 जा रहा है। तो इसका मतलब mod of 5y - 2 / 5y + 2 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2/5 विच इज़ 0.4। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया fx मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y की वैल्यू आंसर है 0.4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत हमारी शीट में और क्लास नोट्स में करते हैं। हमें एक डिफरेंशियबल फंक्शन दिया है जिसमें f ऑफ 0 1 है, और वो एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन f(x + y) = fx (f'y) + f'(x) (f(y) को सेटिस्फाई करता है xy की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए। तो हमसे बोल रहा है log base e f(4) की वैल्यू निकालो। तो मैं इसमें एक बार x और y को दोनों को 0 रख देता हूँ, देखते हैं क्या होते हैं। x को 0, y को 0 रखूँ तो f(0) (f'0) + f'0) (f'0) और अगर हम देखें f(0) ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो यहाँ से मेरे पास f'0 की जो वैल्यू है वो हाफ कैलकुलेट होकर आ जाती है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में एक काम करते हैं, हम y को 0 रख देते हैं। तो दिस विल बिकम fx = fx (f'0) + f'x (f'0). अब मुझे f(0) और f'0 दोनों की वैल्यू पता है, दिस बिकम्स fx = 1/2 fx + f'x। f(0) = 1, सो 1/2 fx = f'x, और आई कैन राइट इट एज f'x / fx = 1/2। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू dx, दिस विल बिकम log fx = x/2 + c, और आई कैन राइट द फंक्शन fx एज सम k(e^x/2). नाउ अ कंडीशन हैज बीन गिवन इन अ क्वेश्चन दैट f(0) = 1, दैट इज k = 1, सो fx फंक्शन कम्स आउट टू बी e^x/2। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आप देखें log ln f(4) की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दिस बिकम्स ln f(4) मतलब e^2 मतलब 2, सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ log of f(4) इज 2। 2 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3D का क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, ध्यान से हम सोच के करेंगे, इमेज वगैरह के कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाया गया है तो हो जाएगा सॉल्व। हमें दिया गया है P एक पॉइंट है फर्स्ट ऑक्टेंट में बेसिकली, जिसकी इमेज प्लेन x + y = 3 में, क्यू इमेज, बाकी सब नॉर्मल दिया हुआ है कि इमेज का मतलब परपेंडिकुलर लेना है, जहाँ वो इमेज लेंगे जिस पॉइंट वो मिड पॉइंट होगा वो सब वगैरह वगैरह सब नॉर्मल सी चीज़ें लिखी गई हैं। वो जो इमेज है वो जेड एक्सिस पर लाई करती है। तो ये रहा प्लेन x + y = 3, P कोई भी एक पॉइंट a, b, c, जिसमें प्लेन में इमेज क्यू मैंने जो दे रखा है वो जेड एक्सिस पर है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0, 0। तो हमें इमेज का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ x - x1/a = y - y1/b = -2 (ax1 + by1 + cz1 + a²+b²+c²) जो 2 हो जाए। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो x की वैल्यू सॉल्व होकर आती है 3 - b, और y की वैल्यू सॉल्व होकर आती है 3 - a, और ये जो इमेज है कोऑर्डिनेट ये z एक्सिस पे थे, तो x 0 होना चाहिए और y 0 होना चाहिए।
तो इससे मेरे पास a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3 आ गया। तो जो q पॉइंट उसके कॉर्डिनेट हो गए 3, 3, c। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन और आगे पढ़ता हूँ। तो मुझे बोला गया है कि ये जो p पॉइंट है, नॉट p पॉइंट इज 3, 3, c। अब हमें बोला गया है कि जो p पॉइंट है उसका x एक्सिस से डिस्टेंस 5 है। तो बेटा इस पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये 5 के बराबर दे रखा है, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 9 + c² इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 4। वैसे तो दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 4, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट दिया हुआ है तो c भी पॉजिटिव होगा। तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता पड़ गए 3, 3, 4। अब क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है, r जो है वो p की इमेज है एक्स वाई प्लेन में। तो अगर r इस p की इमेज है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हुआ x और y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होंगे, z कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस माइनस हो जाएगा। तो 3, 3, -4 ये आर पॉइंट हो जाएगा। तो हमको शायद पी आर जो है वो लेंथ फाइंड करनी, तो पी आर लेंथ डायरेक्टली आप यहाँ से बोल सकते हैं 8 यूनिट्स के बराबर हो। तो द आंसर ऑफ दिस इज 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 वेक्टर का क्वेश्चन है और सिंपल से आइए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हमें इसमें एक क्यूब बना के दिया हुआ है, फर्स्ट ऑक्टेंट्स के अंदर साइड्स ओ पी ओ क्यू ओ आर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के ऊपर है और इसकी साइड लेंथ 1 यूनिट है। तो P के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए 100, Q Y एक्सिस पे तो 010 और R 001। उसके अलावा T जो है वो ओरिजिन से जो वर्टेक्स ऑपोजिट वर्टेक्स है वो है, वो 1, 1, 1 हो गया। और S जो है ओवर T का मिड पॉइंट है, दैट इज 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है ना, अब S लाइज ऑन द डायगनल ओ टी, ओ टी के ऊपर S लाई करता है ना, वही है 1/2, 1/2, 1/2। अच्छा, P वेक्टर जो है, P वेक्टर हमें बोला गया है इज इक्वल टू एस पी वैक्टर, एस पी मतलब P माइनस एस, तो दिस विल बी 1/2, -1/2, -1/2। सिमिलरली Q वेक्टर जो है, Q वेक्टर इज गिवन टू बी एस क्यू वैक्टर, सो एस क्यू वैक्टर Q माइनस दिस मैं करूँगा Q माइनस एस, तो दिस विल बी -1/2, -1/2, -1/2। एंड R वेक्टर इज एस आर वैक्टर, एस आर एस माइनस आर, सो आर माइनस एस will be -1/2, -1/2, and 1/2। तो ये हमारे पास तीनों वेक्टर्स आ गए। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यू हैव टू फाइंड एस टी भी है, टी वैक्टर भी है, टी इज एस टी वैक्टर, तो दैट इज 1/2, 1/2, 1/2। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी क्रॉस आर क्रॉस पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर क्रॉस टी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, अब आप चाहें तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैंने तो डायरेक्टली पी क्रॉस क्यू निकाल लिया, आर क्रॉस क्यू निकाल। तो पहले पी क्रॉस क्यू अगर हमें फाइंड करना है तो दैट विल बी आई जे के, एंड पी क्रॉस क्यू का मतलब हो गया 1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो पी क्रॉस क्यू आता है दैट इज 1/2 i कैप +1/2 j कैप, इसकी वैल्यू ये सॉल्व होकर आती है। सिमिलरली हम r क्रॉस t जो है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, i कैप j कैप k कैप, r क्रॉस t का मतलब हो गया -1/2, -1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। इसको कैलकुलेट करोगे तो r क्रॉस t का जो वैल्यू आएगा दैट इज -1/2 i कैप + 1/2 j कैप। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है, p क्रॉस q क्रॉस आर क्रॉस की। तो जब आप इसको क्रॉस करोगे आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, फिर आई क्रॉस जे करोगे तो दैट विल बी 1/4 times k कैप, फिर जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस आएगा तो दैट विल बी अगेन +1/4 k कैप, और जब जे क्रॉस जे करोगे तो जीरो, दैट इज 1/2 of k कैप। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, द मैग्नीट्यूड बिकम्स 1/2, दैट इज 0.5। ठीक है, तो सो आंसर ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 0.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम की सीरीज से रिलेटेड, और क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एक्स दिया हुआ है 10c1 का होल स्क्वायर + 2 times 10c2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1430 एक्स डिवाइडेड 1430। तो ये जो एक्स लिखा हुआ है भाई, ये याद होगा आपको कि जब कोफिशेंट्स जो होते हैं इसके एपी में होते हैं तो हम फेडरिक कार्ल का जो एफकेजी मेथड था रिवर्स में लिखकर सीरीज को फिर कर सकते, पर रिवर्स में लिखने के लिए 10c10 जो होता है 10c0 के बराबर होता है, तो मैं सीरीज को ऐसे लिख लेता हूँ 0 × 10c0 का होल स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो मतलब टर्म्स तो वैसे भी कुछ ऐड नहीं हुई, प्लस 1 × 10c1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन,
अप टिल 9 इंटू 10 सी 9 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 सी 10 का होल स्क्वायर। इसी को मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखूं दोबारा तो 10 इंटू 10 सी 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 सी 1 का होल स्क्वायर सो ऑन अप टिल 0 इंटू 10 सी 10 का होल स्क्वायर। इफ़ आई ऐड बोथ दी सीरीज को ऐड कर देता हूँ तो दिस विल बी 2x इज इक्वल्स टू 10 समय से कॉमन आ जाएगा और जो बचेगा दैट विल बी 10 सी 0 का स्क्वायर प्लस 10 सी 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल 10 सी 10 का स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, दैट इज एन सी 0 का होल स्क्वायर प्लस एन सी 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल एन सी एन का होल स्क्वायर। ये हम कर चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 2NCn। तो हम डायरेक्टली इसका यूज़ कर लेते हैं, सो x विल बिकम 5 इंटू 20 सी 10, दैट इज 5 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। अब ये कैलकुलेशन है थोड़ी सी आपको करना होगा, 20 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए, बाकी प्रोडक्ट लिखे डिवाइड करके देखिए। और इस पूरे डेटा को भी आपको किससे डिवाइड करना है, 1430 से। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे 1430 से तो जो आंसर आएगा आपका दैट विल बी 646। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मैट्रिक्स मैच। इसमें हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस पे था, बहुत टफ नहीं है, ध्यान से करेंगे तो हो भी जाएगा। क्या दिया हुआ है हमें, E1 इज अ सेट विच कंटेन्स रियल वैल्यूज ऑफ x, जहाँ पर x अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0। E2 इज अ सेट जिसके अंदर x E1 को बिलोंग करना चाहिए। आप ध्यान से देखें तो सही बात भी है भाई, साइन इनवर्स को डिफाइन करना है तो x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 भी होना चाहिए, ठीक है ना, लॉग के अंदर लिखा हुआ है तो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, है ना, और ये जो होगा वो एक रियल नंबर होना चाहिए। तो हमें साइन इनवर्स की डोमेन का भी ख्याल रखना होगा कि ये पूरा फंक्शन माइनस 1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। अब f उन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया E1 सेट से ऑल रियल वैल्यूज तक एंड द फंक्शन इज दिस, fx फंक्शन इज लॉग बेस ex अपॉन x माइनस 1 और ऐसी g फंक्शन ये जो लिखा है डिफाइन किया गया। अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर लिस्ट 1 जो है कॉलम 1 में p ऑप्शन में बोल रहा है रेंज ऑफ f इज, p ऑप्शन इज सेइंग हमें f फंक्शन की रेंज निकालनी। अच्छा, इसकी रेंज निकालनी है तो हमें ये तो ऑलरेडी दे रखा है x अपॉन x माइनस 1 जो है शुड बी ग्रेटर दैन 0, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, राइट, और x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, ठीक, ये भी हमें दे रखा है। तो इसका मतलब वो तो डोमेन के कारण आ गया, तो fx में जो फंक्शन लॉग बेस e है ये वैल्यू जा रही है 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक ठीक है, और x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके अलावा ये 0 से अगर इन्फिनिटी तक जा रहा होगा y में, y इज इक्वल टू, तो इसकी जो रेंज आ रही होगी कहाँ से कहाँ तक आएगी, अगर हम इसकी रेंज की बात करें 0 से इन्फिनिटी लॉग का ग्राफ देखें तो ये लॉग का ग्राफ आएगा, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप रेंज देखोगे इसकी तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जो है 1 नहीं हो सकता है। 1 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये लीनियर बाय लीनियर फंक्शन है और x अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू जो है 1 नहीं हो सकती, तो ये 1 नहीं हो सकती, तो 1 का मतलब सॉरी 0 0 हम इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इधर हम 1 नहीं रख सकते, तो जो रेंज आएगी उसमें से 0 हटाना होगा, तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। तो p जो है p किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है, ठीक है। अब अपन आते हैं q ऑप्शन के ऊपर, q ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, द रेंज ऑफ g कंटेन्स, g की जो रेंज है वो क्या कंटेन करती है ना, तो g इसकी रेंज की अपन बात कर रहे हैं, वो क्या कंटेन कर रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले हम रेंज के लिए डोमेन की बात करेंगे, तो साइन इनवर्स के सामने जो भी लिखा हुआ है दैट इज़ लॉग बेस e एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 की जो मैं बात कर रहा हूँ ये किसके बीच में होना चाहिए, माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लॉग की जो वैल्यू है माइनस 1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, एक्सेप्ट क्या नहीं हो सकती, जो x अपॉन x माइनस 1 है माइनस 1 से 1 कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है ना भाई, 1 के अलावा माइनस 1 से 1 कुछ भी हो सकता है, लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन था ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसका मतलब इस इनपुट के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स में अगर मैं जाऊँगा तो माइनस 1 से 1 रखने पर आउटपुट जो देगा फंक्शन जी की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी माइनस पाई बाई 2 से ओपन पाई बाई 2 तक। तो अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक की वैल्यूज आ रही हैं इसके अंदर, तब हमें देखना होगा कि कौन सा जो सेट है जी कंटेन्स, इट्स सेइंग द रेंज ऑफ जी कंटेन्स, रेंज ऑफ जी कंटेन्स में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, अभी अपन ऑप्शन इसमें चेक करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में 0 से 1 हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, डोमेन ऑफ
अभी अपन बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं और फिर जी कंटेन्स कौन सा सेट, बेसिकली सबसेट जो होगा वो अपन को फाइनल निकालना। तो अपन अभी आगे भी सॉल्व करते हैं, आर ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, डोमेन ऑफ एफ की बात करें, एफ की डोमेन का मतलब हो गया डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स, ठीक। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन जो होगा, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट जीरो और वन आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इट कंटेन्स द सेट माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी। अच्छा, ये वाली वैल्यूज़ अगर अपन चेक करें तो वन अपॉन वन माइनस ई नेगेटिव वैल्यू होगी, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो मतलब इसके अंदर कंटेन हो रहा है, और ई अपॉन ई माइनस वन दैट इज़ 2.71 अपॉन समथिंग 1.7, तो ये वाली वैल्यू जो है वन से ज़्यादा ही होगी, तो इसका मतलब वन से इन्फिनिटी ये भी कंटेन हो रहा है। तो और जीरो से वन में तो दिक्कत है, जीरो से वन इंटरवल में नहीं आ रहा तो नहीं हो सकता है, माइनस हाफ से हाफ भी वही जीरो से आगे कुछ इंटरवल आ गया जो नहीं है, ऐसे ही आप इसमें चेक करो तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी वही दिक्कत है, जीरो से इन्फिनिटी नहीं आया, वन से इन्फिनिटी आ रहा तो ये भी कंटेन नहीं होता है। ऐसी माइनस इन्फिनिटी से ई अपॉन ई माइनस वन, ये माइनस इन्फिनिटी से कुछ पॉजिटिव वैल्यू तक जा रहे हैं, जबकि जीरो के आगे कुछ पॉजिटिव वैल्यू नहीं जा सकते, तो ये भी सेट नहीं है ये भी। इसका मतलब ये जो है आर किससे मैच कर रहा है, आर इज़ मैचिंग विद ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। और लास्ट में एस के ऊपर जाते हैं, अब एस में वो बोल रहा है द डोमेन ऑफ जी एस, इसकी हमें डोमेन फाइंड करनी है, तो इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, लॉग बेस ई एक्स अपॉन एक्स माइनस वन जो होगा उसको हम माइनस वन से वन के बीच में करेंगे। अब अगर हम इसे माइनस वन से वन के बीच में करते हैं, बेस वन से ज़्यादा है तो दो नो साइन, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो वन बाई ई से एक्स अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू ई के बीच में, तो बेटा ये दो हिस्सों में सॉल्व होगा, पहले इनइक्वालिटी ये वाली सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन बाई ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ई एक्स माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन लेता हूँ तो ई माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं फाइंड करता हूँ तो क्रिटिकल पॉइंट एक तो वन आ रहा है, और एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वन अपॉन वन माइनस ई, वन अपॉन वन माइनस ई नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पर आएगी वन अपॉन वन माइनस ई, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये इंटरवल हो गया। अब दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करता हूँ, डेट इज एक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस ई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस ई एक्स प्लस ई अपॉन एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, सो दिस विल बिकम एक्स कॉमन लेने पर वन माइनस ई प्लस ई अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, और एक्स इंटू ई माइनस वन माइनस ई अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है वन और एक आ रहा है ई अपॉन ई माइनस वन, अभी हमने देखा था ई अपॉन ई माइनस वन जो है वो यहाँ पर कहीं आ रहा हो, ई अपॉन ई माइनस वन, तो इससे हमारा इंटरवल आ रहा है वन से कम होना चाहिए या ई अपॉन ई माइनस वन से ज़्यादा। तो कॉमन इंटरसेक्शन जब आप लेंगे फाइनली तो जो आंसर बनता है दैट इज़ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन अपॉन वन माइनस ई क्लोज यूनियन ई अपॉन ई माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये जो है किस ऑप्शन में मैच हो रहा होगा, ये देखें, ये भी आई थिंक ए ऑप्शन वन में ही लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से वन अपॉन वन माइनस ई एंड ई अपॉन ई माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी, तो इसका मतलब जो एस है, एस ये जो है ये भी वन से मैच कर रहा है। अब अगर मैं ऑप्शन देखूँ ए बी सी डी, पी हमारा मैच कर रहा था, पी मैच कर रहा था किसके साथ, फोर के साथ, पी फोर के साथ, आर वन के साथ और एस भी वन के साथ, और क्यू जो था क्यू में क्या फाइंड करना था वो किसका सबसेट होगा, है ना, तो हाँ, तो जीरो से वन जो हमने देखा था वो उसका सबसेट भी आ रहा था, तो इसका मतलब ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अगेन मैट्रिक्स मैच, पीएनसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, अगेन बहुत टफ नहीं है, सही से अगर आप चारों पार्ट्स पढ़ के सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, टोटल 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, और फर्स्ट पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है अल्फा वन डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमेटी कैन बी फॉर्म सच दैट, उसके अंदर कमेटी में 5 मेंबर होने चाहिए जिसमें एग्जैक्टली 3 बॉयज़ होने चाहिए और 2 गर्ल्स होने चाहिए। तो अल्फा वन की जो वैल्यू की टोटल 6 बॉयज़ में से अगर हमको 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने तो 63 और 5 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने तो 562, 63 20 into 200, ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा वन कम्स आउट टू बी 200। अब सेकेंड पे आते हैं, अल्फा टू की बात करते हैं, अल्फा टू में क्या लिखा हुआ है, अल्फा टू टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कमेटी फॉर्म करनी है, कमेटी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स होने चाहिए, तो या तो दो भाई इक्वल बॉयज़ और गर्ल्स हैं तो या तो 2 नए मेंबर होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, इस टाइप से, ठीक है।
तो अगर दो ही मेंबर हैं तो इसका मतलब 61 × 5 सिक्स में से सिक्स बॉय में से एक बॉय और पांच गर्ल में से एक गर्ल. ऐसा हो सकता है दो बॉय हैं तो दो गर्ल होनी चाहिए, ठीक है ना. या ऐसा हो सकता है 63 × 5 या हो सकता है 64 × 5 या हो सकता है पांच बॉयज़ हैं तो पांच गर्ल्स. इससे ज़्यादा कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि गर्ल्स सारी जो है हमने सेलेक्ट कर ही ली हैं. तो जब आप अल्फ़ा 2 को कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू सॉल्व होकर आती है 461. सिमिलरली अल्फ़ा 3 के ऊपर जाते हैं. अल्फ़ा 3 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, अल्फ़ा 3 बोल रहा है कमिटीज़ फॉर्म करनी है सच दैट कमिटी हैज़ 5 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर गर्ल्स. कम से कम दो गर्ल्स होनी चाहिए और पांच मेंबर्स सेलेक्ट करने. तो कम से कम दो गर्ल्स होनी चाहिए तो हमने हो सकता है 5C2 से दो गर्ल्स सेलेक्ट करें. अब तीन मेंबर ऑल चाहिए तो वो 6C3 से तीन बॉयज़ में से सिक्स बॉयज़ में से कोई तीन बॉयज़ सेलेक्ट कर लेंगे. अच्छा, हो सकता है पांच में से तीन गर्ल्स सेलेक्ट करी हो क्योंकि एटलीस्ट लिखा है तो केसेस बढ़ाते हैं. तो हमें 6C2 से दो बॉयज़ सेलेक्ट करने होंगे. 5C4 से हमने पांच में से चार गर्ल्स सेलेक्ट करी तो 6C1 से फिर एक बॉय लेना. या हो सकता है पांचों की पांचों जो है गर्ल्स सेलेक्ट कर लें. तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस दिस कम्स आउट टू बी 381. एंड द लास्ट अल्फा 4 नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म हैविंग फोर मेंबर्स. चार मेंबर लेने, एटलीस्ट टू गर्ल्स, कम से कम दो गर्ल्स होनी चाहिए एंड सच दैट बोथ M1 and G1 आर नॉट इन द कमिटी टुगेदर. M1 G1 एक साथ कमिटी में नहीं है. तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, टोटल तरीके निकाल लेता हूँ जब कम से कम दो गर्ल्स थी और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ जब M1 G1 दोनों थे कमिटी के अंदर, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ केस जब बात करेंगे, कम से कम हमें दो गर्ल्स जो है वो सेलेक्ट करनी करनी है. तो अगर हमें कम से कम दो गर्ल्स सेलेक्ट करनी है तो जैसे ऊपर क्या था 5C2 × 6C2 चार मेंबर्स क्योंकि लेने अब की बार, या 5C3 × 6C1 या पांच में से चार गर्ल्स ले ली तो 6C0 से कोई बॉय नहीं. माइनस जब M1 G1 आर सेलेक्टेड, इनको तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया और इसमें से अब वही वाले केसेस जो हैं चार मेंबर्स सेलेक्ट करने थे उनमें से दो फिक्स हो गए, बाकी दो और लेने वो वाले केस लेते हैं. तो एक गर्ल तो आई चुकी है तो टोटल पांच में से एक गर्ल आ गई तो चार गर्ल्स बची हुई है. तो 4C1 से हमने एक गर्ल सेलेक्ट करी और बाकी फाइव बॉयज़ में से 5C1 से एक बॉय सेलेक्ट किया. या ऐसा हो सकता है दोनों गर्ल्स आई हों तो 4C2 से हमने दोनों गर्ल्स को सेलेक्ट कर लिया और बॉय को कोई सेलेक्ट नहीं किया. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे टोटल सब्ट्रैक्ट करके तो दिस कम्स आउट टू बी 189. ठीक है, तो ये तो सॉल्विंग वाला पार्ट हो गया. अब अगर हम इसका क्वेश्चन देखते हैं मैट्रिक्स जो मैच करने का है, तो डायरेक्ट आप देखेंगे तो वैल्यूज़ दे रखी हैं. अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ रही थी 200, तो अल्फा 1 मैचेस विद 4, P मैचेस विद 4. अल्फा 2 इज 461 6, तो Q मैचेस विद 6. अल्फा 3 381 5 में, तो R मैचेस विद 5 एंड 189. अल्फा 4 189 2, तो S मैचेस विद 2. तो अगर आप अपना ऑप्शन चेक करें, P 4 से, Q 6 से, R 5 से, P4 Q6 R5 और S2 से, तो C ऑप्शन में दिख रहा है हमें ये, तो C विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट मैट्रिक्स मैच. हाइपरबोला चैप्टर जो है कॉनिक सेक्शंस में उससे रिलेटेड है, पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, A और B पॉजिटिव हैं और उसमें बोला गया है कि जो इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस है, हाइपरबोला की जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस LM, लेट से ये L पॉइंट है और ये M पॉइंट है, वो उसके एक वर्टेक्स पर, उसके एक वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स, N पॉइंट पर टोटल 60 डिग्री का एंगल सब्टेंड कर दी. तो अगर ये कॉन्जुगेट एक्सिस हमें पता है ये लेंथ B और क्योंकि ये वर्टेक्स है तो ये A के बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री. तो हम एक इक्वेशन यहीं से लिख सकते हैं, B अपॉन A इस ट्राइंगल में कितना हो गया tan 30 डिग्री, तो A इज इक्वल्स टू रूट 3B. A और B में एक रिलेशन तो यहाँ से आ रहा है. उसके अलावा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ट्राइंगल LMN का एरिया भी दे रखा है. LMN का डायरेक्ट एरिया लिखना है, ये भी B हो गया ये हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN हाफ बेस इज 2B हाइट A इज 4√3 और A की जगह मैं यहाँ से √3 भी रख देता हूँ तो B इंटू √3B इज इक्वल टू 4√3. रूट थ्री कैंसिल, सो बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 4. बी स्क्वायर 4, तो B की वैल्यू कितनी हो गई 2 और B 2 हो गया, B को 2 मैं यहाँ रख देता हूँ तो A की वैल्यू हो गई 2√3. अब हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं. तो P ऑप्शन में बोल रहा है लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस. P लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2B होती है, तो मतलब 4 आंसर हो गया इसका. Q ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, Q में क्या लिखा है, इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, E square is equal to 1 plus B square upon A square, that is 1 plus B square is 4
and a square will be 12. So 1 plus 1 by 3, that is 4 by 3. So eccentricity comes out to be 2 by root 3. Correct? Now, R option kya upar aa jate hain? R option mein bol raha hai distance between the foci. Foci ke beech ka jo distance hota hai, aapko pata hai 2ae ke barabar hota hai, hyperbola mein. तो 2a, a हमें पता है 2 टाइम्स a की वैल्यू हो गई 2 रूट 3 और e की वैल्यू हो गई 2 बाय रूट 3, रूट 3 रूट 3 कैंसिल, तो दिस कम्स आउट टू बी 8. तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई कम्स आउट टू बी 8. एंड द लास्ट वन s ऑप्शन, दैट इज लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है हाइपरबोला में उसका फॉर्मूला होता है 2 बी स्क्वायर बाय a. तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर इज 4 एंड a इज वॉट 2 रूट 3, तो दिस कम्स आउट टू बी 4 बाय रूट 3. अब हम मैचिंग करते हैं. हमारा P जो था उसका आंसर 4 आ रहा था, 4 आ रहा था मतलब P matches with 4. Q का आंसर 2 by root 3 आ रहा था, 3 में लिखा हुआ है तो Q matches with 3. R का आंसर 8 आ रहा है तो 1, R matches with 1. And S का आंसर 4 by root 3, 4 by root 3 2 में, so S matches with 2. तो P with 4, Q with 3, B option, R with 1 and S with 2. तो B option से मार्क कर दें, दिस विल बी द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 मैट्रिक्स मैच में, इसमें हमें चार फंक्शंस दे रखे हैं जो अलग अलग तरह से डिफाइन कर रखे हैं. चारों फंक्शन यहाँ पर आप सामने दे रखा है और मैं आपको दिखाता हूँ. पहले इसके चार ऑप्शन हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो हमें चारों फंक्शंस के लिए कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0. ये हम पहले ही देख लेते हैं, ठीक है? तो हम एक एक करके पिक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में जो f1x लिखा है, दैट इज साइन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूँ तो x, अगर मैं आपसे बोलूँ एफ वन जीरो प्लस निकालना है तो बेसिकली लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको. लेट इज लिमिट, या डायरेक्ट करते हैं, चलो ऐसे लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस एफ वन एक्स अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ 0 प्लस रखूँगा तो ये एच स्क्वायर बन जाएगा, e की पावर माइनस एच स्क्वायर, दैट इज ई रेस पावर 0. ई रेस पावर 0 कितना 1 होगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन 0 0 आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं आपसे लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस एफ एन एक्स कैलकुलेट करने को बोलूँ तो 0 माइनस रखने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 माइनस रखने पे भी ये 0 की तरफ ही टेंड कर रहा होगा और तब भी फंक्शन के लिए 0 आ रहा है. इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस तो हो गया. अब डिफ्रेंशिबिलिटी की बात करते हैं, दैट इज मुझे एफ डैश 0 प्लस कैलकुलेट करना है, एफ वन डैश 0 प्लस. इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ठीक है? तो अगर एफ ऑफ 0 प्लस एच की बात करें तो ये क्या बन जाएगा फंक्शन, ये फंक्शन बन जाएगा साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एच स्क्वायर. एफ ऑफ 0 अपन चेक कर ही चुके हैं, ऊपर 0 आ रहा है, अपॉन एच, ठीक है? दिस विल बी लिमिट एच अप्रोचेज 0. अच्छा, इसको एलसीएम ले लेता हूँ. तो साइन ऑफ रूट ओवर ई की पावर एच स्क्वायर माइनस 1 और बाहर ई रेस पावर एच बाहर आ जाए अपॉन एच. अब आप ध्यान से देखो तो साइन के अंदर ये एंगल 0 की तरफ जा रहा है. हम लिमिट जानते हैं साइन 0 अपॉन 0, तो जो साइन का इनपुट है वही मैं बना लेता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, रूट ओवर ई की पावर एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ई की पावर एच स्क्वायर माइनस 1. ये वाली लिमिट तो 1 हो जाएगी. आई विल मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एच स्क्वायर माइनस 1. अच्छा, ये जो नीचे एच ऑलरेडी लिखा हुआ था इसको मैं अंदर ले जाता हूँ तो एच स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? और एक डिनोमिनेटर में ये e की पावर h बचा हुआ. ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है, लिमिट h अप्रोचेज 0, ये लिमिट 1, ये e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, जब x 0 जाता है ये भी 1 और h को 0 रखने पे ये भी 1, तो ये वाली वैल्यू आ गई 1 के बराबर, ठीक है? अब ऐसे ही अगर मैं निकालूंगा f1 डैश 0 माइनस, तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 0 माइनस एच माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h. तो अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, भाई मैं माइनस h रखूँगा इस फंक्शन में तो इधर माइनस एच रखने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका स्क्वायर हो गया. तो यहाँ तक सब कुछ सेम रहने वाला है, बस डिनोमिनेटर में एच की जगह कितना चलेगा, माइनस एच चलेगा. इसका मतलब फाइनली जब मैं ऐसे सिंप्लीफाई करते हुए पहुँचाऊँगा तो मैं आ गया साइन रूट ओवर ई की पावर एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ई की पावर एच स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? और एक माइनस अंडर रूट ई की पावर एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर आएगा, करेक्ट? ये जो एच स्क्वायर था एक्चुअली नीचे माइनस एच था तो माइनस साइन रह जाएगा और इंटू 1 अपॉन ई की पावर एच, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1. अब क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है? कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल. तो ये तो हो गया बेटा पहला वाला पार्ट. अब सेकेंड वाले फंक्शन के ऊपर जाते हैं. सेकेंड फंक्शन क्या लिखा हुआ है देखें, सेकेंड फंक्शन है मॉड साइन एक्स अपॉन टैन इनवर्स एक्स.
when x is not equals to 0, ठीक है. तो हम इसकी पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं. तो अगर मैं आपसे f ऑफ f2 ऑफ 0 प्लस की बात करूँ तो मॉड साइन x पॉजिटिव खुलेगा, ये हो जाएगा साइन x अपॉन टैन इनवर्स x. मैं अगर इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये लिमिट हम जानते हैं वन की तरफ, ये वन की तरफ, तो ये वन की तरफ जा रहा हूँ. पर अगर मैं आपसे बोलूँ f टू जीरो माइनस निकालना है तो मॉड साइन x जो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो मॉड साइन x अपॉन टैन इनवर्स x. इसको भी अब मैं एडजस्ट करने के लिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये लिमिट वन और पूरी वैल्यू माइनस वन. तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. अब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो वैसे ही नहीं हो सकता फंक्शन, ठीक है. थर्ड फंक्शन के ऊपर जाते हैं. थर्ड फंक्शन है साइन लॉग बेस ई एक्स प्लस टू, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिफाइन कर रखा है माइनस वन से ई की पावर पाई बाई टू माइनस टू तक फंक्शन की वैल्यू, ठीक है. एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रखी हैं, एक्स की वैल्यू डिफाइन कर रखी है माइनस वन ई की वैल्यू पाई बाई टू माइनस टू तक. तो एक्स प्लस टू फंक्शन में देखें, इनपुट में एक्स प्लस टू है तो एक्स प्लस टू में दो ऐड कर देता हूँ, तो वन से लेकर ई की पावर पाई बाई टू तक जा रहा हूँ. अब हमें इसका लॉग लेना है बेस ई पर, तो लॉग बेस ई एक्स प्लस टू की वैल्यू जो होगी जीरो से पाई बाई टू तक होगी. अब फिर इसका हमें साइन भी लेना है, साइन ऑफ लॉग बेस ई एक्स प्लस टू. सब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कहीं साइन चेंज नहीं हो रहा, साइन जीरो जीरो साइन पाई बाई टू. तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो से वन के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो जीरो आएगा. जीरो से वन की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो. कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया तो कंटिन्यूस भी होगा और डिफ्रेंशिएबल, उसको डेरिवेटिव जो होगा वो भी कंटिन्यूस आएगा, ठीक है. और जो फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ सॉल्व करता हूँ. फोर्थ ऑप्शन सिंपल सही है. फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, फोर्थ ऑप्शन के अंदर लिखा है फोर एक्स एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स. तो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स जो है फंक्शन, क्या ये x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस है क्या? तो x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जैसे आप जीरो प्लस रखोगे तो ये साइन इन्फिनिटी बनेगा. साइन इन्फिनिटी हम जानते हैं ऑसिलेटरी लिमिट पर होगी फाइनाइट माइनस वन से वन के बीच में. जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आए, सेम f ऑफ जीरो माइनस निकालोगे सॉरी तो भी सेम ही आएगा, ये जीरो रहेगा, ये ऑसिलेटरी लिमिट रहेगी. इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस तो कन्फर्म है. डेरिवेटिव अगर इसका चेक करना है, तो अगर डेरिवेटिव हमें चेक करना है तो हम f डैश जीरो प्लस निकालें. f डैश जीरो प्लस लिमिट h अप्रोचेज जीरो f ऑफ जीरो प्लस h, दैट इज h स्क्वायर साइन वन अपॉन h माइनस f ऑफ जीरो, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में जीरो के बराबर अपॉन h. तो h इंटू साइन वन बाई h अगेन ऑसिलेटरी लिमिट मल्टीप्लाइड बाई जीरो विल बी जीरो, एंड f डैश जीरो माइनस कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी लिमिट h अप्रोचेज जीरो f ऑफ जीरो माइनस h, दैट इज h स्क्वायर साइन माइनस वन अपॉन एच अपॉन माइनस एच. अगेन इट डजेंट मैटर जीरो आर. इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी था और डिफरेंशिएबल भी था. अब ऑप्शंस के ऊपर आते हैं. ऑप्शंस में देखना पड़ेगा हमें कैसे कैसे क्या ऑप्शंस दे रखे हैं. तो जो ऑप्शंस हैं, पी ऑप्शन है एफ वन एस. हमने अभी पी ऑप्शन चेक किया, पी फंक्शन कैसा आ रहा था, कंटिन्यूस था बट नॉट डिफरेंशिएबल था. तो कंटिन्यूस एट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो. तो मतलब पी जो है, पी किससे मैच कर रहे हैं, पी इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर टू. अच्छा, f2 फंक्शन, f2 जो फंक्शन आया था हमारा, ये f2, ये तो कंटिन्यूस ही नहीं था, नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल. तो नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, इसका मतलब q जो है वो 1 से मैच कर रहा है. अब r पे आते हैं, f3 डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो या क्या? तो ये जो था फंक्शन f3, ये रहा f3 फंक्शन, कॉन्स्टेंट आया था जीरो तो कंटिन्यूस आया था, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस ही आएगा. तो इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, मतलब r जो है इट इज़ मैचिंग विद 3. और s में फंक्शन, अब चेक करना है s का डेरिवेटिव. एक्चुअली हम s चेक तो कर चुके हैं, वो डिफरेंशिएबल तो आ रहा है फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल तो है, पर क्या उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है क्या? तो हमें इसका मतलब f4 जो फंक्शन है उसका, f4 फंक्शन ये वाला, इसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है. तो इसका जो डेरिवेटिव होगा f डैश फोर एक्स का डेरिवेटिव, दैट विल बी 2x साइन वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. साइन का डेरिवेटिव कॉस वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 2x साइन वन बाई एक्स माइनस कॉस वन बाई एक्स. अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. ऑप्शन में था कि क्या f4x का डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा क्या. तो अगर मैं आपसे f4 डैश जीरो प्लस बोलूँ कैलकुलेट करने के लिए, तो बेटा ये ऑसिलेटरी लिमिट माइनस वन से वन के बीच में जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो, पर ये वाली वैल्यू डिफाइंड नहीं है बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन. तो f डैश जीरो प्लस डज नॉट एग्जिस्ट ऑसिलेटरी लिमिट. सिमिलरली f डैश जीरो माइनस भी एग्जिस्ट नहीं करता. तो इसका मतलब डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस नहीं आ रहा है. तो अगर मैं अब ऑप्शन की बात करूं तो
एफ फोर जो था इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल जीरो एंड इट डेरिवेटिव इज, अच्छा इसमें नॉट कंटिन्यूस लिखा हुआ है, तो हमारा जो आर था आर में डेरिवेटिव कंटिन्यूस था, तो आर मैचेज विथ फोर एंड एस मैचेज विथ थ्री, डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस. तो ऑप्शन मैच करें, पी मैचेज विथ टू, क्यू मैचेज विथ वन, आर विथ फोर एंड एस विथ थ्री, तो ये डी ऑप्शन के अंदर आ रहा है. सो द राइट आंसर इज डी.